अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर ख़ान है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह गूगल एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। जब आप ऐप्स यूज़ करते हैं, गेम्स यूज़ करते हैं या ब्राउज़र पर जाते हैं तो गूगल एड्स आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे ये मेरी पहली वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पर, तो आई होप आपको अच्छी लगे। यहाँ पर मेरे पास एक ऐप है जिस पर गूगल एड्स आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको ओपन किया ये गूगल ऐड आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप इसे मतलब ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस लिंक से आपने इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाने के बाद आपने ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, DNS66, जो कि रूट की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट रूट ये होता है। तो ये आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड APK पर क्लिक करना पड़ेगा। ये 2.6 MB की APK है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे डाउनलोड करें। मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल हो गए। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करें। ओपन होने के बाद इसको स्किप करें। फिर आपने यहाँ पर जो कि नीचे ये मीडियम वाला जो ऑप्शन है डोमेन फिल्टर्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपका ये जो पहला ऑप्शन है, इसका जो एक सर्कल है ये ग्रे कलर का होगा। मैंने पहले से ये किया हुआ है तो इसके लिए ये रेड कलर का है। तो आपने जस्ट सिंपली इस सर्कल पर क्लिक करना होगा, तो इसका कलर ग्रे से चेंज हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप वापस पहले पेज पर आए। यहाँ पर ऊपर आपके पास रिफ्रेश का साइन है, आप इस रिफ्रेश पर क्लिक करें। इस पर क्लिक होने के बाद ये डाउनलोड हो रहा है ये फाइल। इसे आप देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो गया। इसके बाद जो कि ये ब्लैक कलर का जो कि सर्कल है, इस पर आपको प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप कहेंगे कि आप इसको ओपन यानी ओके ओके पर क्लिक करें। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर ये VPN का साइन आ गया। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एड्स किस तरह ब्लॉक हो गए। जैसे आप देख सकते हैं पिछली बार जब मैंने इसको ओपन किया तो फौरन ही ऐड आ गया, लेकिन अब मैंने इसको ओपन किया तो ऐड नहीं आ रहा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे यूज़ करूँ तब भी ऐड नहीं आ रहा। देख सकते हैं इस तरह आप अगर जो गेम यूज़ करते हैं या जो ब्राउज़र पर जाते हैं तो इस तरह ऐड बिल्कुल नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुदा हाफिज़।